बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम फन विशन में खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी नई व्लॉग के साथ आपके पास हाजिर हूँ जी। ये हम लोग तालीमी बाग के पास आ गए। मैं सोच रही होंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हाँ जनाब, मेरा एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा चलो मैं बाज़ार से जाके एम्ब्रॉयडरी के लिए कपड़ा ले आऊँ। फिर मेरा दिल चाहा कि चलो आजकल लोग ज़रा ज़रा सी बातों के लिए व्लॉग बनाते हैं तो आज मैं भी इब्तिदा कर ही देती हूँ अपनी शॉपिंग का कि मैं किस तरीके से मार्केट गई हूँ। हम असल बात है आज घर में बच्चे नहीं थे कोई भी, तो हमने रक्षे में अर्शी तक का सफ़र तय किया है। बल्कि अभी अर्शी आया नहीं है और अभी दूर है, लेकिन हम अर्शी से जा रहे हैं। बैठाना है तो बैठा लीजिए। ये देखें मैं छोड़ दूंगा उधर, वो अर्शी में छोड़ के तेरे पर छोड़ दूंगा। नो नो नो, रहन दो रहन दो रहन दो। ये देखें, हाँ ये देखें समोसे वाले की दुकान आ गई। अरे इसके तो समोसे बड़े शानदार होते हैं और बहुत ही अच्छे हैं। ये मंसूरा लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी। जैसा मैंने मास्टर किया था, मैंने सारे अपने नोट्स यहाँ ही से तैयार किए थे। हाँ जनाब, और आगे चल रहे हैं हम। ये देखें, ये चौरंगी पे से हमारा रक्षा टैन हुआ है। ये देखें इमरान स्वीट भी आ गए हैं, जहाँ पे इनका सुबह का नाश्ता ये बन होता है। बहुत रश होता है, जैसे धमदल वालों के पास रश होता है ना, वैसे ही इनके पास भी रश होता है। ये देखें ये मार्केट में रश, शाम का टाइम है ना, असल मसला है, इसलिए थोड़ा सा रश भी है। दोपहर में इतनी तो तेज़ धूप होती है, उस तेज़ धूप में कोई भी घर से नहीं निकलता। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि हम घर में ही रहें, बहुत ज़रूरत पड़ती है तो हम घर में ही रहें। लेकिन अब शाम में थोड़ी सी ठंडक हुई और ठंडक होने के साथ ही थोड़ी सी दिल को सुकून भी मिला, तो फिर हमने अच्छी के उसके बैग पर है दुकानें है ना, वहाँ से ही मैं कपड़ा ख़रीदती हूँ। दुकान का नाम है अल सैयद और हमारे बहुत जब से हम लोग दसगीर में आबाद हैं, वो भी अल सैयद की भी दुकान उसी टाइम से है, तो हम लोग वहीं से कपड़ा लेते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा रही थी ना, आम आ गए हैं, अब बरसात भी हो गई है तो हमारे यहाँ बरसात के बाद के आम खाना शुरू हो गए। बहुत सारे लोगों के यहाँ रूल होता है ना, जब तक बारिश नहीं होगी उस वक्त तक आम नहीं मिलेंगे खाने को, तो हमारे यहाँ भी यही रूल है। ये देखें शॉप का नाम ये है। चलें जनाब, मैंने आपसे कहा था ना कि हमारी ही अपनी दुकान है, भागम दौड़ी करते हुए हम यहाँ पर आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जनाब, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ये देखें इनके यहाँ देखें कपड़े की वैरायटी। मैं मेरे कुछ को दिल को लगी हुई है, इसलिए मैं आप लोगों को भी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग में इन लोगों की वैरायटी पसंद आती है तो जस्ट आप लोग भी पहली फुर्सत में इनकी शॉप पर ज़रूर आइएगा। बेड शीटें वगैरह भी हैं, ये देखें। ये फोटोस्टेट की मशीन रखी है? अच्छा, मैं समझी शायद आपने नया काम शुरू कर दिया। चलें जनाब, हमने आज आपकी
और ये वाला निकालना है। हाँ ये भी निकालना। एक दस 300 रुपए ये वाला देना है। पहले पैसे बताइए। इसको हटा के, इसको हटा के 1200 रुपए बन रहा है। मतलब ये वाइट वाइट मिला के वाइट कितना दे रहे हैं आप? इसको मिलाएंगे तो 1900 रुपए जाएंगे। नहीं अगर इसको हम 2 गज करते हैं तो 1500 रुपए जाएंगे। अब सही कर ले भाई। सही है, एक पीस 1200 कर ले। नहीं कुछ भी नहीं करा है इसमें। 1200 कर ले भाई। कोई जो सूट वूट तो बनेंगे नहीं है भाई। देखो मैंने बताया ना, यही बोलिए ना, मैं तार फूट के आपको भेज दूंगी, आप ले लीजिएगा। पूरी कोशिश यही होती है कि अजान के टाइम में खामोश हो जाऊं। ये देखे इतने अच्छे कपड़े खरीदे तो भाई आग लगी हुई है हर चीज में। हर चीज में आग लगी हुई है। आग लगी हुई हर चीज में। समझ सवाल है, यकीन है, दिमाग घूम गया बाखुदा। किराए की दुकान नहीं है, मैं तो बोलता हूँ जो बेचारे किराए पे गुजार रहे हैं, अल्लाह पाक बस पता नहीं कैसे इज्जत बनाए बैठा हुआ है। बस समझ सो बाहर है। जैसे ही हम लोग कपड़े की दुकान से निकले, वैसे ही सामने ही आइसक्रीम वाले की दुकान देखकर ले भाई ले, कमीशा तो बिल बिलाने लगी। भाई मुझे तो आइसक्रीम चाहिए। मैंने कहा कि चलो कमीशा, तुम्हारी फरमाइश पे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। अभी देखें कमीशा ने मेरे लिए भी मंगवाई और देखें खुद भी खा रही है। कमीशा की जान है कुल्फा। अब देखें ये आइसक्रीम वाले की दुकान है, लेकिन पता है इसकी दुकान की खूबी मुझे क्या नज़र आती है? सफाई बड़ी है। वरना आजकल कहीं भी दुकान पे आप चले जाएं तो दुकान के ऊपर बेतहाशा मक्खियाँ इस्तकबाल में हमारे लगी रहती हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुझे मक्खियों का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं। मैं नज़र नहीं लगा रही इनकी शॉप की, लेकिन ये कि सफाई पसंद है। अब ये देखो ये इनका, इन्होंने अपनी मशीन भी चालू कर दी है। अब ये चालू होने के साथ आपको हमारी आवाज़ भी नहीं पहुंच रही होगी। आइसक्रीम खा के अब हम अपने घर जा रहे हैं, और घर जाने के अर्शी शॉपिंग मॉल है। पता है ना आपको, अभी इसमें आग भी लगी थी, अल्लाह माफ़ी दे, बहुत ज़बरदस्त आग लगी थी। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया है, इसकी अपनी अकल के बलबूते पे देखें फिर आबाद हो गई। अच्छी ये देखें, यहाँ पे सुना है कोई शॉपिंग मॉल फिर बन रहा है, ऊपर फ्लैट बनेंगे और शॉपिंग मॉल जी। अभी यहाँ का खाना खाया नहीं है हमने, लेकिन सुना है कि खाना बहुत अच्छा है, टेस्टी है। खाएंगे तो फिर आपको बताएंगे। ये देखें ये फर्नीचर मार्केट आ गई है।
आ रहा है, ऐसे लगता है इनके घर की दीवारें जो मर्जी चाहे लिख दो जी। ये UBL है जी, ये जी जो मैंने बोला है कि हमारे रिक्शे वाले पूछ रहे थे सीधे हाथ पर, मैंने कहा जी। देखें अब हम अपनी गली में दाखिल हो गए हैं, और गली में दाखिल होने के साथ ही हमेशा ज़रा स्पीड दिखा रहे हैं। अच्छा जनाब, आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और जो नया है चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।